टुडे द टॉपिक इज नेशनलिज्म इन यूरोप. दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द फोर प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियो. इन विच ईयर ही प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स 1848. हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? ही वाज फ्रेंच आर्टिस्ट एंड प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट इन 1848. एज आई हैव टोल्ड यू इन हिज सिविक्स कार्टून्स कैन कम इन पेपर. Again, I am going to repeat it. Cartoons can be given in history paper also. MCQ में cartoon देखे पूछा जा सकता है. What does this cartoon depict? तो आपको जितने इसमें pics हैं, cartoons हैं, you have to read them thoroughly. उनके नीचे जो एक उन्होंने दिया हुआ है ना cartoons के नीचे, वो आपको पढ़ना है अच्छे वे से, ठीक है? क्योंकि उसमें से MCQ बन जाने हैं. तो फ्रेडरिक सोरियो की पिक है, उसमें उन्होंने प्रॉपर उस बताया हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी. आपको वो दे के पूछ सकते हैं कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में क्या क्या है, ठीक है? तो आपको पता ही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. दूसरे में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे आर मार्चिंग टूवर्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ procession. People of all ages and of different social groups, सब उसको join किया हुआ है, of different countries leading the procession. उस procession में number one पे है Switzerland and United USA. Rest of the countries following them, ठीक है? इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं जर्मनी के flag के color. How the people of different countries identified थ्रू देअर कॉस्ट्यूम्स एंड थ्रू देअर फ्लैग्स, क्योंकि वो तो प्रोसेशन की फॉर्म में है, तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, थ्रू देअर फ्लैग्स एंड थ्रू देअर कॉस्ट्यूम्स, ठीक है? नेक्स्ट जर्मनी के फ्लैग का कलर पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स गिवन इन योर बुक, गोल्ड रेड एंड ब्लैक, यू हैव टू लर्न. तो इसके बाद आपको पूछा जा सकता है, हु गेज्ड अपॉन द सीन फ्रॉम द हेवन, क्राइस्ट, एंजल, सेंट्स, ये सब. So, what does it symbolize? Fraternity among the nations of the world. Nation state is a state in which people have common identity, shared history, common ancestors. और फिर आपसे पूछा जा सकता है plebiscite का meaning, direct vote by which whole electorate is asked to accept or reject the proposal. Next, absolutist, powers in one hand. Absolutist means powers in one hand, utopian. Vision of society that is so ideal that never exist. Vision of the society that is so ideal that never exist. किसने देखा था ये सपना of the world made up of democratic republic? ये सपना किसने देखा था? फ्रेडरिक सोरियो. फ्रेडरिक सोरियो ने ये सपना देखा था made up of democratic republic. Who saw this? dream? आप कह सकते हो फ्रेडरिक सोरियो. It's given here in the first line of this. Chapter. Frederick Soryo prepared a series of four prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic. कैसा सपना देखा था वर्ल्ड के लिए? Democratic, social, republic. उसने ऐसा सपना देखा, utopian means vision of society that is so ideal that never exists. तो इस वे से इसको लर्न करना, ठीक है? Next. इसके बाद अर्नेस्ट रैनन का पूछ सकते हैं. अर्नेस्ट रैनन एक पैराग्राफ में दिया हुआ है लेक्चरर. कहाँ का लेक्चरर था? सोर्बोन यूनिवर्सिटी. अर्नेस्ट रैनन वाज लेक्चरर इन सोर्बोन यूनिवर्सिटी एंड ही वाज फ्रेंच फिलोसोफर. ही वाज फ्रेंच फिलोसोफर. अर्नेस्ट रैनन वाज फ्रेंच फिलोसोफर एंड ही वाज लेक्चरर इन विच यूनिवर्सिटी? सोर्बोन यूनिवर्सिटी. किस चीज का आइडिया दिया था उसने? नेशन स्टेट. ही गेव एन आइडिया ऑफ नेशन स्टेट. अब उसका ना बर्थ एंड डेथ का ईयर बताया हुआ है, तो इसकी एक रीडिंग ले लेना. 1823 में जैसे उसका बर्थ हुआ, 1892 में उसकी डेथ हुई. क्योंकि ये दिया हुआ है तो ये पूछ भी सकते हैं, एक ही लेसन है तो टफ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. 1823 में बर्थ हुआ, 1892 में उसकी डेथ हुई. नेक्स्ट, cover of German almanac designed by the journalist Andreas Rebmann in 1798. इसका नाम पढ़ लेना एक बार. almanac क्या होता है? कैलेंडर. आप कह सकते हैं रिचुअल कैलेंडर्स होते हैं.
अलमैनक किसने प्रिपेयर किया था? एंड्रियस रेबमैन। कौन से ईयर में? 1798। जर्मन अलमैनक। तो फ्रांस के रेवोल्यूशन का ईयर दिया हुआ है, देखते हैं ना, 1789। क्लब, क्लब भी पूछ सकते हैं बिकॉज इट्स गिवन। जैकोबिन क्लब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब ऑफ फ्रांस, जैकोबिन। फिर आ जाता आपका हो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग अस पीपल। पहले तो ये पूछ सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज मूव टू अदर कंट्रीज, टू कैरी विद देम द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, टू हेल्प द कंट्रीज टू गेट फ्रीडम फ्रॉम डेस्पोटिक रूल। कोई भी ऑप्शन इनमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉ पैट्री का मीनिंग पूछा जा सकता है, लॉ पैट्री मीन्स द फादरलैंड, ली सिटी ऑन मीन्स द सिटीजंस। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन दे के ना, नेम ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट बॉडी ऑफ स्टेट जनरल, कौन सा फ्लैग अडॉप्ट किया, विच फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड बाई फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, विच वॉज अडॉप्टेड, ट्राई कलर फ्लैग वॉज अडॉप्टेड, विच वॉज रिप्लेस्ड, मोनार्किकल, मोनार्किकल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड, विच फ्लैग वॉज अडॉप्टेड, ट्राई कलर। एंड नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं विच लैंग्वेज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, फ्रेंच, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वर डिस्करेज। तो इसके अलावा आपको कंट्रीज पूछी जा सकती हैं, कहाँ कहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज गए थे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, लेटर इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, लेटर इटली। सिटीज पूछी जा सकती हैं, सिटीज आपको बेल्जियम से स्टार्ट करो ना, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वर्सा, क्योंकि कैपिटल ऑफ बेल्जियम सबको पता है बिकॉज यू हैव रेड इन सिविक्स आल्सो, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वर्सा, इन सिटीज में फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज गए थे। एंड आपको कंट्रीज भी पता नहीं चाहिए, आपको ऑप्शंस में देखे, जैसे एक, जैसे मैं क्वेश्चन दू इन विच कंट्रीज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज मूव्ड, अभी मैं दे रही हूँ जैसे बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट में मैं दे दू बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर ऐसे मैं तीन ऑप्शन दे दू, ठीक है। तो आपको अपने आप, अगर आपको कंट्रीज नहीं सिलेक्ट करनी आएंगे तो आप कैसे करोगे, आप बेल्जियम देख के मत आंसर करना ना, बाकी कंट्रीज भी पढ़ना। ऐसे ही आपको सिटीज वाला क्वेश्चन आ सकता है, इन विच सिटीज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज मूव, एक सिटीज करेक्ट दे के बाकी रॉन्ग दे के भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आपको इसका नाम पता होना चाहिए, पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल अकंपनिंग द इलस्ट्रेशंस इन द स्लोगन, स्लोगन दिया हुआ है इसने जो मैंने अभी बोला अलमैनक वाला, एंड्रियस रेबमैन, द इमेज ऑफ फ्रेंच बेस्टाई बीइंग स्टॉर्म्ड बाय रेवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू अ सिमिलर फोटोस मेंट टू रिप्रेजेंट द डेस्पोटिक रूल इन जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल, अकंपनिंग द इलस्ट्रेशंस इन द स्लोगन। ये स्लोगन आपको पढ़ना है, पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रेबमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंस, कहाँ रहता था रेबमैन, सिटी ऑफ मेंस, अभी आपने पढ़ा नहीं मेंस, मिलान, वर्सा, तो रेबमैन जिसने रिचुअल कैलेंडर बनाया था, लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंस एंड ही वॉज मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। आपको तीन नाम दे के पूछा जा सकता है, हु वॉज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, जैसे रेबमैन दिया हुआ है, साथ में कैरल कुरपुंजकी दे दें, मेजनी दे दें, तो आपको पता होना चाहिए हु वॉज द मेंबर ऑफ जैकोबिन, आउट ऑफ दीज हु वॉज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, एंड्रियस रेबमैन, ही वॉज द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन क्लब, पता है ना जैकोबिन क्लब बने थे। तो नेक्स्ट अब आ जाता है जैसे नेपोलियन, नेपोलियन कब रूलर बना, 1804, एंड अर्लियर ही वॉज मिलिट्री डिक्टेटर, फ्रॉम मिलिट्री डिक्टेटर ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। अब नेपोलियन ने एक तो मोनार्की रीइंट्रोड्यूस की, सेकंड ही रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, ही रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी एंड रीइंट्रोड्यूस मोनार्की, बट ही वॉज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस बिकॉज ऑफ हिज सिविल कोड। अब उसके सिविल कोड में से कोई भी लाइन आपको देके पूछ सकते हैं, कोई भी थ्री सिविल कोड देके, एक गलत देके आपसे पूछ सकते हैं, विच इज विच सिविल कोड वॉज नॉट इश्यूड बाय नेपोलियन। तो बाकी आपको अगर उसके सारे सिविल कोड्स पता होंगे तो आपको सिलेक्ट करना इजी लगेगा। जैसे मैं अभी बोलूं नेपोलियन के सिविल कोड्स, जैसे मैं बोलती हूँ लिसन केयरफुली, जैसे मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड वॉज गिवन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव, राइट टू वोट वॉज गिवन टू द पीपल हु वर एट द एज ऑफ 18, एंड
फिर मैं बोल रही हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इम्प्रूव्ड, अब बताओ इसमें से मैंने कुछ गलत बोला है। राइट टू वोट टू द पीपल हु आर एट द एज ऑफ 18, ये तो नेपोलियन ने दिया ही नहीं था। तो इस वजह से एक आपको गलत बता के आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कोड नेपोलियन ने इशू नहीं किया था। रेबमैन किसका मेंबर था? जैकोबिन क्लब। नेपोलियन वॉज रूलर ऑफ फ्रांस। अब नेपोलियन ने क्या इशू किया? सिविल कोड। हु इशू सिविल कोड? नेपोलियन। गिल्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। बाकी आप कर लोगे, नेपोलियनी कोड सबको आते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपका जाता है, ये आपने कार्टून मैंने पहले ही बोले आपने पढ़ने हैं सारे। फिर इन विच ईयर नेपोलियन इन्वेडेड इटली? 1797। इन विच ईयर नेपोलियन इन्वेडेड इटली? 1797। क्योंकि ये पूरे चैप्टर में नहीं है तो ये बॉक्स में दिया हुआ है तो ये पूछा जा सकता। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797। नेक्स्ट, अरिस्टोक्रेट्स में से कोई टॉपिक नहीं बनता, इसमें से सिर्फ वेस्ट एंड ईस्ट का पूछ सकते हैं। वेस्ट वाली साइड जो था ना, लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्ट वाली साइड वेस्टर्न यूरोप में कौन थे? टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ओनर्स। वेर एज इन ईस्टर्न साइड देयर वर लार्ज प्लांटेशन। ईस्टर्न यूरोप में प्लांटेशन थे एंड लैंड वॉज कल्टीवेटेड बाय सर्ब्स। ईस्टर्न यूरोप में लैंड वॉज कल्टीवेटेड बाय सर्ब्स और ईस्टर्न यूरोप में देयर वर लार्ज प्लांटेशन। अब मैं पूछूं कहाँ पे लार्ज प्लांटेशन थी? वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप। देयर वॉज लार्ज प्लांटेशन। ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। In which part of Europe land was cultivated by small tenants? Eastern, Western, Central, Western Europe. In Western Europe, land was cultivated by tenants and small land owners. Whereas in Eastern Europe, land was cultivated by serfs. And there were large plantations in Eastern Europe. Middle class people, both they were educated and they worked in industries or factories. Liberalism is taken from Latin word liber meaning free. Liberalism is taken from Latin word liber meaning free. अब मैं पूछूं political field में इसका meaning, तो आपको मैं 4 options देती हूँ, जैसे right to vote, right to contest elections, freedom of trade, freedom of both A and B, which is correct. Both A and B, because A and B में मैंने बोला था right to vote, right to contest elections. अब जैसे मैं बोलती हूँ in economic field, liberalism stands for right to trade, freedom of market. तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है? Social field, right to property, equality before law. ये सारे आपको पता होने चाहिए. Suffrage means right to vote. Suffrage means, मैं आपसे पूछूं, सफरेज मीन्स राइट टू वोट गिवन टू ऑल, राइट टू वोट ओनली टू मेल, या राइट टू वोट नॉट गिवन टू द पीपल? व्हाट यू मीन बाय सफरेज? तीनों में से बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट. राइट टू वोट गिवन टू ऑल, राइट टू वोट वाज नॉट गिवन टू एनीवन, राइट टू वोट गिवन ओनली टू मेल, विच इज करेक्ट? सफरेज. पास पास सफरेज. मैं फिर यूनिवर्सल नहीं ना मैंने बोला, आप अपने आप सोचो. मैंने यूनिवर्सल बोला फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, जो जिसमें मैंने बोला राइट टू वोट टू मेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल वर्ड नहीं बोला. यूनिवर्सल मीन सबको राइट टू वोट, मेल फीमेल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको राइट टू वोट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द एज. हर कंट्री की अपनी अपनी स्थिति हुई है. इंडिया ने 18 के बाद दिया, किसी ने 21 के बाद दिया, डिपेंड अपॉन द कंट्री. तो यहाँ पे सफरेज मीन्स राइट टू वोट. Who was Friedrich List? He was an economist. Friedrich List was an economist and professor of economics in the University of Tübingen in Germany. Who was Friedrich List? कौन था Friedrich List? Economist था. कहाँ पे lecturer था economics का? यूनिवर्सिटी ऑफ तबिंगन. कहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ तबिंगन थी? जर्मनी की. तो ये आपको पता होना चाहिए, वाज फ्राइडरिच लिस्ट.
अब जोलब्रिन आ जाता है. जोलब्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1830. जोलब्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1834 विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया. विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया. आप यहाँ पे बता सकते हो कि पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इन द सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में. जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स. ई स्टेट हैड इट्स ओन करेंसी. सो नंबर ऑफ करेंसीज इन जर्मनी हम कहते नहीं 32 रिड्यूस फ्रॉम 32 से 2 32 थी क्योंकि कुछ स्टेट्स की कॉमन भी थी 32 बिकॉज सम स्टेट्स हैड कॉमन करेंसी. तो 32 थी करेंसी. तो नंबर ऑफ करेंसीज इन जर्मनी 32. उन दिनों 1833 में 1834 में हमने इसका बोला सॉल्वेंट का. तो अब एक साल पीछे आ जाओ 1833 में ट्रेवलर्स मर्चेंट्स या ट्रेडर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम हैम्सबर्ग टू नूरेमबर्ग हैड टू क्लियर हाउ मेनी कस्टम बैरियर. कितने परसेंट कस्टम ड्यूटी देते थे? 5% 11 कस्टम बैरियर्स 5% कस्टम ड्यूटी. एंड क्यों उन्हें प्रॉब्लम्स आई? बिकॉज देर वॉज नो यूनिफॉर्म इन द सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर. फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्लोथ वट वॉज टेकन ईले. ईले में क्या नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स वर सेम इन ईले? नो. देर वर डिफरेंसेज इन द नंबर ऑफ सेंटीमीटर. हर जगह नंबर ऑफ सेंटीमीटर डिफरेंट है. इधर उन्होंने बताए हुए हैं जैसे कुछ फ्रैंकफर्ट आपको बताया 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ. इन मेन्स इट वॉज 55.1 सेंटीमीटर. इन नूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर. इन फ्रीबर्ग 53.5 सेंटीमीटर. एक बार इनकी प्लीज रीडिंग लेना जैसे मर्जी. इनको एक एफर्ट्स करना इनको लर्न करने का कोई पता नहीं. पूछ लें नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन इलेन फ्रीबर्ग फिर क्या करोगे? नीचे कितने सारे सेंटीमीटर्स दे देने हैं. तो 53.5. इसको इस वे से लर्न करो. एक टेबल बना के नहीं जैसे लर्न कर लेते वैसे करके करो. तो नेक्स्ट इज कौन से ईयर में कस्टम बैरियर्स अबॉलिश किए गए? 1834. किसके आने से कस्टम बैरियर्स वर अबॉलिश? जोलब्रिन. नंबर ऑफ करेंसीज कितने रह गए? 2. पहले कितने थे? 30. नो 32 से कितने रह गए? 30 से 2 रह गए. अर्लियर नंबर ऑफ करेंसीज वर 30 से रह गए 2. अब नेक्स्ट इज हु वाज ड्यूक मेटरनिच? कंजर्वेटिव बाय नेचर लिबरल था कि कंजर्वेटिव की रेवोल्यूशनरी? कंजर्वेटिव. हु वाज द होस्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना? ड्यूक मेटरनिच. वियना इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस और ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया कहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ कौन से ईयर में हुई ट्रीटी ऑफ वियना? 1815. नेम द कंट्रीज बिटवीन होम दिस ट्रीटी वॉज साइंड. ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रशिया एंड प्रशिया. तो इसके बाद आपको टर्म्स में से कुछ पूछा जा सकता है. टर्म्स ही हुई हैं टर्म्स में से जैसे ऑस्ट्रिया को क्या मिला था? नॉर्थ इटली वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया. सेक्सनी वॉज गिवन टू प्रशिया. पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है तो इस वे से इनको लर्न कर लो. ट्रीटी ऑफ वियना 1815. कौन था वो? ऑस्ट्रियन चांसलर. जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया. हाँ तो इस वे से इसको लर्न करना है. ड्यूक मेटरनिच ने किसी को अपना डेंजरस एनिमी कहा था. मेजनी. हु वाज मेजनी? ही वाज रेवोल्यूशनरी. मेजनी वाज रेवोल्यूशनरी वेयर एज ड्यूक मेटरनिच वाज कंजर्वेटिव. ड्यूक मेटरनिच कंजर्वेटिव था वेयर एज मेजनी वाज रेवोल्यूशनरी. दोनों में फर्क था तो इसलिए उसने इसको अपना एनिमी बोला. अब मेजनी कहाँ का रेवोल्यूशनरी था? ही वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी. किस सोसाइटी का मेंबर था? कार्बोनेरी सीक्रेट सोसाइटी. और मेजनी ने किस रिवोल्ट में पार्ट लिया था? लिगुरिया रिवोल्ट में. मेजनी की टू सीक्रेट सोसाइटीज कौन सी थी? यंग इटली एंड यंग यूरोप. मेजनी का बर्थ पूछ सकते हैं. जेनोवा में हुआ था. 1807 में मेजनी का बर्थ हुआ. कहाँ पे हुआ? जेनोवा. ये भी पूछा जा सकता है
कि उसने लिगुरिया रिवोल्ट में जब पार्ट लिया तो ही वाज 24 इयर्स ऑफ एज। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि दीज आर गिवन। ठीक है, यंग मैन, कौन यंग मैन ऑफ 24 इयर्स ऑफ एज था हु हैड पार्टिसिपेटेड इन लिगुरिया रिवोल्ट? मेजरी, ड्यूक मेटरनिच, कौन था? नेम द यंग मैन आउट ऑफ दिस हु वाज द यंग मैन हु पार्टिसिपेटेड इन लिगुरिया रिवोल्ट। मैं आपको पूछ रही हूँ नेम द, अपने इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। मेजनी था कि ड्यूक, वो था ड्यूक मेटरनिच था? मेजनी। मैं अभी तो मैंने बताया कि मेजनी पार्टिसिपेटेड इन लिगुरिया रिवोल्ट देन ही वाज ओनली 24 इयर्स ऑफ एज और ही सेट अप हिज टू सीक्रेट सोसाइटीज यंग यूरोप एंड बर्ने यंग इटली इन मर्सेल्स। ऐसे पूछा जा सकता है कि आप बताओ कहाँ पे यंग यूरोप सोसाइटी सेटअप हुई। आपको थ्री ऑप्शन, फोर ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है। देन यू हैव टू सेलेक्ट बर्ने, यंग, इटली इन मर्सेल्स। तो फोर ऑप्शन दे के आपको मर्सेल्स का याद रखना है। ठीक है, तो मेजनी जो था ही वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी, याद रखना है। नेक्स्ट इज एज ऑफ रेवोल्यूशन आ गया व्हेन फ्रांस नेजेस यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड? मेजनी, सॉरी, ड्यूक मेटरनिच। व्हेन फ्रांस नेजेस यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड? ड्यूक मेटरनिच। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि फर्स्ट रिवोल्ट टुक प्लेस इन फ्रांस, सेकेंड इन कहाँ पे हुआ? सेकेंड रिवोल्ट इन बेल्जियम एंड थर्ड इन ग्रीस। फ्रांस में क्या हुआ? इन्होंने ओवरथ्रो किया था रूलर ऑफ बोर्बन डायनेस्टी। किसको रूलर बनाया गया फ्रांस का? लुइस फिलिप। लुइस फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्को फ्रांस। अब बेल्जियम किससे सेपरेट हुआ था? नीदरलैंड। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ग्रीस में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन ग्रीस? ग्रीस वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर, टर्की के सुल्तान के अंडर था एंड दे ग्रीक्स वर क्रिश्चियंस वेयर एज दे वर रूल्ड बाय मुस्लिम्स। तो दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय देम एज दे वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। दे डिक्लेयर देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? 1821। 1821 में उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसको क्रेडल ऑफ यूरोप कहा गया? ग्रीस। Why Greece was known as cradle of Europe? Because European countries had great respect for Greek culture. So Greece was known as cradle of Europe. किसने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए फंड कलेक्ट किए थे? लॉर्ड बायरन। He was Lord Byron. He was English poet. तो क्या उसने पूरा वार तक पार्टिसिपेट किया? नहीं। He died in 1824 due to fever. उसकी डेथ हो गई बट ही कलेक्टेड फंड, उसने फंड कलेक्ट किए थे। तो यूरोपियन कंट्रीज ने सुल्तान को फोर्स किया टू साइन द ट्रीटी ऑफ, पूछा जा सकता है विद विच ट्रीटी ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन? विद विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इन विच ईयर ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन? 1821, 1832, 1834, 1830, 1832, 1834। जोल्फ्रिन याद रखना, जोल्फ्रिन वाज पास विद द इनिशिएटिव ऑफ ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, प्रशिया। जोल्फ्रिन वाज पास विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, ये याद रखने हैं। ठीक है, तो ग्रीस का भी आपको याद रखना है। ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832 विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। किसने फोर्स किया था सुल्तान को टू साइन दिस ट्रीटी? यूरोपियन कंट्रीज फोर्स सुल्तान टू साइन दिस ट्रीटी। विद दिस ट्रीटी ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आपको